Dr. Bridge's Homeopathy Clinic and Research Center, India's number one multi super speciality homeopathy clinic. Homeopathy में नई research से बड़ी लोकप्रियता, भारत के प्रसिद्ध कई राष्ट्रीय award एवं 10 से ज्यादा अन्य देशों में सम्मानित डॉक्टर बी एम प्रसाद, जिन्होंने 25,000 से ज्यादा रोगियों का सफल इलाज किया है। होम्योपैथी दवा द्वारा सफल इलाज हेतु आज ही मिलें डॉक्टर ब्रिज होम्योपैथी क्लिनिक, बीसी जर्मन होम्यो क्लिनिक, होम्योपैथिक भवन, ब्रिज गली, बिस्कुमान कॉलोनी, पटना। बलिया से बड़ी खबर, बलिया पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने 3 ठग चोर को अवैध तमंचा व जिंदा कारतूस के साथ किया गिरफ्तार। शातिर चोर के पास से 5,000 नकदी रुपए हुए बरामद। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने किया चेकिंग अभियान। वहीं रसरा कुतवाली थाना क्षेत्र के सिघागढ़ घाट तिराहा का गिरफ्तार किया गया है। निधि सिंह के साथ बलिया से संजय तिवारी की रिपोर्ट। सर, थाना रसड़ा पुलिस को किस प्रकार की सफलता प्राप्त हुई? जनपद बलिया में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रसड़ा की पुलिस टीम को आज एक बड़ी महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। ये मुखबिर को उसकी सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना रसड़ा क्षेत्र में कुछ अपराधी चोरी एवं ठगी के उद्देश्य से आए हुए हैं और घटना करने की फिराक में हैं। उक्त सूचना के आधार पर तत्काल रसड़ा की पुलिस टीम ने कार्रवाई शुरू की, तो उसमें कुल 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे पूछताछ जब की गई है तो उनसे रसड़ा के एक अभियोग जो चोरी का लिखा गया था और एक नगरा की चोरी, दोनों का अनावरण किया गया है, जिसमें कुछ बर्तन और सामान चोरी हुए थे। और इन लोगों के पास से कुल उक्त चोरी में बेचे गए सामान से प्राप्त 5,000 रुपये मिले हैं और तीनों अभियुक्तों के पास से 3 अदद अवैध तमंचा भी मिला हुआ है पुलिस को। इनसे पूछताछ के क्रम में जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये लोग जो है चोरी भी करते हैं और ठगी भी करते हैं। दूसरों को, सामान्य जनता को सोने का आभूषण बेचने के नाम पर ठगी करते हैं। अभी जो प्राथमिक जानकारी इनके विषय में प्राप्त हुई है, इनके विरुद्ध जो है वो मऊ और बलिया में कई मुकदमे पंजीकृत हुए हैं, जिनको हम लोग फिलहाल पता कर रहे हैं। इनका आपराधिक इतिहास और पता किया जा रहा है। बाकी अभी इन लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष इन तीनों चोरों को, जो कि जिसमें से 2 कोतवाली के और 1 सुपोरा के रहने वाले हैं, इनको पेश किया जा रहा है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।